चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। सोना की फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्यूशन टीचर की बेरहमी का मामला सामने आया है। सोना का ये मामला जहां होमवर्क पूरा ना करने पर छात्रा को स्केल से पीटा गया। छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान है। अभिभावक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अभिभावकों ने शिकायत दी जिसके आधार पर यह मामला दर्ज हुआ है। सोहना की फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्यूशन पर एक टीचर का ये चेहरा सामने आया। ये देखिए किस तरह से मारा गया है। सोहना की फ्रेंड्स कॉलोनी में ट्यूशन टीचर ने बेरहमी की और होमवर्क पूरा ना करने पर छात्रा को स्केल से पीटा गया है, बुरी तरह से मारा गया है। ये मारपीट किसने आपके साथ की है? रीना राघव मैम ने। रीना मैम ने कहा कि नंदनी इधर आओ, नंदनी ये बताओ कि तूने पापा को क्यों बताया। मैंने कहा मैम पापा को खुद ही पता लग गया था। मैम ने कहा अच्छा, तो तू मुझे जेल भिजवाना चाहती है? तो मैंने कहा नो मैम। मैम कह रही है झूठ मत बोले, बता रही हूँ इसकी वजह से मारूंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं बचा लूँगी मैं आपको। मैम कह रही है झूठ बोल रही है, मैंने बताया था पापा को, पापा रीना मैम ने मारा है जी, स्कूल में मारा था आपको? हाँ, इसको मैं भी और ट्यूशन दीपावली फेस्टिवल के दौरान पे दो चैप्टर दिए थे लर्न करने के, मतलब याद करने के लिए दिए थे। मेरी बिटिया एक चैप्टर याद करके गई थी, दूसरे चैप्टर में कुछ अटक रही थी, भूल रही थी, जिसकी बाबत रीना राघव ने मेरी बिटिया को बहुत ज़्यादा मारा है। 16/11/2023 को मेरी बिटिया को पहले थप्पड़ से मारा, उसके बाद में उसको उठा करके स्केल से मारा, फिर उठा करके जमीन पर पटक दिया, फिर लात घूसे से मारा है, और मेरी बिटिया के यहाँ पे पेड़ों पे लात मारा है, जिसके मेरी बिटिया की अभी भी हालत ठीक नहीं है, और स्केल से मारा है कई जगह, हमारी बिटिया के शरीर में कई जगह घाव। मैंने ले जाके अस्पताल में उसका इलाज करवाया और सरकारी अस्पताल में उसकी MLC कटवाई, जिसकी बाबत मैंने थाने में दरखास्त दी। थाना प्रबंधक ने कोई कार्रवाई नहीं की। सोमवार को DCP साहब का दरवाजा खटखटाया, DCP साहब ने आदेश दिया, जब जाकर के यहाँ पे जस्टिस जुनाइल जस्टिस के तहत अंडर सेक्शन 75 में हमारा केस दर्ज किया है।